हेलो फ्रेंड, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मूंग दाल के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बने हैं। तो इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए हैं, प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे हमने बहुत सारे रेसिपी के वीडियो डाले, एक बार विजिट जरूर कीजिए हमारे चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनते हैं। एक्चुअली ये राजस्थान से रिलेटेड है, वहाँ की ये फेमस रेसिपी में से एक है। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का पराठा बनाऊंगी जैसे ट्रेडिशनल तौर पे बनाया जाता है मूंग दाल के पराठे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा, अपने जितना आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप गेहूं का आटा ले लीजिए। इसमें मैं ली हूं मूंग दाल। मूंग दाल को मैंने 4 से 5 पानी से धो लिया था। धोने के बाद इसे कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए फूलने के लिए, भीगने के लिए डाल दी थी। ये दाल काफी अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे डाल दूंगी आटे में। दाल को डालने के बाद अब मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ स्पाइसेस, जो कि बहुत बढ़िया और काफी अच्छा पराठा बनाने में हमारी ये हेल्प करता है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, तभी आप इस तरह के टेस्टी पराठे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ली हूँ, जिसमें कि ये है जीरा, कच्चा जीरा। ये हमने लिया हुआ है हींग। हींग डालने से पराठे की टेस्ट काफी अच्छी बढ़ जाती है। हींग जरूर डालना चाहिए पराठे में। चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैं इसे डालूंगी, चिली फ्लेक्स। ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ये घर का बनाया हुआ धनिया का पाउडर है। टेस्ट के अनुसार नमक, जितना पराठा बनाना है जितना क्वांटिटी है उसके अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लीजिए। ये है बेकिंग सोडा, जिससे कि पराठा काफी सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। तो बेकिंग सोडा हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा। हल्दी, जो कि पराठों को अच्छा सा कलर देगा, थोड़ा सा हमने हल्दी ली हुई हो। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पराठे में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बोल सकते हैं कि इसकी जान बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये पराठा। तो इन सबको मैं, सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी। इन सबको डालने के बाद डालूंगी यहाँ पे मैं धनिया का पत्ता, इसे भी इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके आप ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसे डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छे पराठे लगते हैं। मिर्च डालने के बाद बस इसे हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरे मसाले जो है अच्छे से दाल में और ये सब मिक्स हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें रिफाइन ऑयल, 2 बड़े चम्मच के अंदाज से मैं इसमें रिफाइन ऑयल डाल दूंगी। जिससे पराठे जो है काफी अच्छा सा सॉफ्ट बन करके रेडी होगा। अब यहां मैं हाथ से इसे मिलाना चाहूंगी, ये इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से बढ़िया सा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी अच्छी सी एक डो बना करके रेडी करूंगी। ये जो डो जो है ना ही सॉफ्ट ना ही हार्ड बनता है, जस्ट लाइक पूरी के आटे के तरह थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा,
ज्यादा हार्ड बनाएंगे तो दाल जो है वो बाहर निकलने लगता है पराठे बनाते समय, और सॉफ्ट रहेगा तो पराठे ठीक से बनेंगे नहीं, एकदम ही सॉफ्ट भी नहीं बनाना हमें। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, एक साथ पानी ना डालो नहीं तो आटे जो है वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आटे को गूंद करके रेडी कर लिया है। बस बहुत ही अच्छा सा ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कि ये आटा जो है ज्यादा गीला भी नहीं है और एकदम ही हार्ड भी नहीं है। तो इस तरह का आटा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आटे को रेडी कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब इसे ढक के रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, फटाफट आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी ऐसा सेट होने जैसा चीज नहीं डाली हूँ। बस थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा दूंगी जिससे कि आटा जो है वो सूखे नहीं। बस जितनी बड़ी आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप पेड़ा तोड़ लीजिए। इस तरह से पेड़ा लेने के बाद ये काफी हेल्दी और टेस्टी पराठा है, इसे आप बच्चों को टिफिन में बनाकर दीजिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरह का सूखा आटा लिया है, सूखा आटा में थोड़ा सा इसे डिप करूंगी, और डिप करने के बाद इसे हम इस तरह से करके बेल लूंगी। तो देखिए हमने इतना पतला इन पराठों को बेला हुआ है, इससे ज्यादा पतला हमें नहीं बनाना। बहुत ही अच्छे से ये पराठे बन गए। अब इसे एक प्रॉपर शेप में बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है तो देखने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन टेस्ट तो वाकई में वही रहेगा। तो इसे हम इस तरह से एक कटर लूंगी, बाउल से मैंने काट रही हूँ इस तरह का। तो इसी तरह से हम सारे पराठे को बना करके हम रेडी कर लेते हैं इतने बड़े साइज में। ये पराठे बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनेंगे। तो इसी तरह मैं सारे पराठे जितना मुझे अब भी चाहिए इसे इस तरह से आटा गूंद करके फ्रेंड आप 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख के बना सकते हैं, काफी अच्छे पराठे बनेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी का और मुझे अभी जितना चाहिए उस हिसाब से मैं 4 से 5 पराठे बना लेती हूँ। देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है। तो बाकी का बनाने के बाद मिल। तो इस तरह से हमने सारे पराठों को बेल ली हूँ इस तरह से इतने छोटे छोटे साइज में। आपको जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से आप बेल लीजिए, लेकिन पतला इतना होना चाहिए क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था ना, खाने वाला मीठा सोडा डाला था, इसके वजह से थोड़ा सा ये फूलेगा तो थोड़ा मोटा होगा। इधर हमने तवा गरम होने रख दिया है, तवा जो है अच्छा गरम हो चुका है। अब मैं इस पे एक एक पराठे को डालूंगी, और डाल करके आपको यहाँ पे अगर घी खाना पसंद करते हैं तो आप घी यूज कीजिए, मैं तो यहाँ पे रिफाइन ऑयल लगा करके ही इसे अलटते पलटते अच्छे से सेक करके रेडी कर लूंगी। ये पराठे वाकई में फ्रेंड बहुत हेल्दी हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा जब इस तरह से पराठे बना करके उन्हें देंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके रेडी कर लूंगी सेक करके पराठों को। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप लोग मेरी वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो दूर दूर से लोग देख रहे हैं। कमेंट हमें जरूर कीजिए, बताइए तो सही कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल पे, मैं कोशिश करूंगी उस चीज को बनाने की। तो देखिए इस तरह से हमें अलटते पलटते सारे पराठों को बना करके रेडी कर लेंगे। ये बहुत बढ़िया और काफी अच्छे पराठे हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसे हल्का हल्का दबाते हुए हमें पका लेना है।
तो देखिए काफी अच्छा सा ये कलर आ चुका ना, बहुत ही बढ़िया सा ये पराठा बनकर के रेडी हो गया। तो इसी तरह मैं सारे पराठों को सेक लेती हूँ। बहुत ही यमी और टेस्टी पराठे बन जाएंगे। इसी तरह सारे पराठे को सेकने के बाद मिलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये पराठे बनकर के रेडी हो गए ना, काफी टेस्टी और यमी पराठे। अच्छी लग रही है ना देखकर, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये पराठे। तो इसको मैं सर्व करूंगी ये मूली के चटनी के साथ। इसकी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है फ्रेंड, आप हमारी वीडियो मूली की चटनी का देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये मूली की चटनी और ये पराठे दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप भी फॉलो कीजिए और बनाइए। और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा। मुझे तो वाकई में ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर बनाती हूँ, तो सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर अच्छा लगे तो दिल से एक अच्छी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।